भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए मुरादाबाद कांट विधानसभा की ग्राम पंचायत गुरैठा में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह के द्वारा युवा समाजसेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनय चौधरी अपने गाँव में उन परिवारों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन परिवारों के बेटों ने देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अभिनय चौधरी कहते हैं कि हम जिस गर्व के साथ सीना चौड़ा करके पूरे देश में घूमते हैं और बेफिक्र होकर अपने काम करते हैं, वे सब हमारे देश के उन सैनिकों की देन हैं जो हमारे लिए देश की सीमा पर हर खतरे का सामना कर रहे हैं। उनकी ताकत के द्वारा पूरा देश गर्व महसूस करता है और फख्र से सीना चौड़ा कर हम सभी भारतवासी देश के परचम को बुलंद करने का काम करते हैं। देश की सीमा पर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन शहीदों को याद करते हुए उन परिवारों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके बेटों ने देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। हमें गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के लाल हमारी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं और देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। इस दौरान अभिनय चौधरी द्वारा अपील की गई कि सभी लोग शहीदों के परिवारों की हौसला अफजाई के लिए उनके कार्यक्रम में शिरकत करें और कार्यक्रम में आकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। कार्यक्रम 23 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है, इसीलिए सभी से अपील की जाती है कि सभी लोग किसान दिवस के मौके पर इस सम्मान समारोह में हाजिर होकर उन शहीदों को नमन करें और उनके परिवारों की हिम्मत बढ़ाने का काम करें। कल हमारा कार्यक्रम है 23 दिसंबर को। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा थे, किसान दिवस पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, हम किसान दिवस पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो है जो हमारे शहीद देश के लिए हो गए हमारे क्षेत्र के, उनके परिवार को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हमारी रैली है। अपील क्या रहेगी आपकी कांट विधानसभा क्षेत्र की जनता से? मेरी तो सभी क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।